न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। बगावत के किस्से हर चुनाव में और हर दल में होते हैं, लेकिन भाजपा में इस समय टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी जोरों पर है। सबसे अधिक गुस्सा बाहरी और निष्क्रिय लोगों को टिकट देने से उपजा। टिकट वितरण से भाजपा में उपजे असंतोष के कई उदाहरण हैं, जो कि भाजपा के लिए कई वार्डों में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। वहीं ज्यादातर पिछड़े वर्ग के पार्षद प्रत्याशी अपना रास्ता साफ करने के लिए अध्यक्ष पद की घुड़दौड़ में अभी से एक दूसरे को निपटाने में जुट गए हैं। पार्टी के घोषित प्रत्याशियों की सूची में कई प्रत्याशी बाहरी और बड़े नेताओं के कृपा पात्र बताए जाते हैं। बगावत पर उतरे ज्यादातर भाजपाइयों की शिकायत ये है कि पार्टी का प्रचार करने और जीत की जमीन तैयार करने के लिए लंबे समय से मेहनत हम लोगों ने की, मगर उन लोगों को टिकट दे दिए गए जो कि चंद सप्ताह पहले तक पार्टी की गतिविधियों से दूर भाजपा के खिलाफ सक्रिय थे। मऊगंज नगरी निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा होते ही विरोध के स्वर भी तेज हुए हैं। कल तक जो भाजपा के स्थानीय नेता मऊगंज विधायक के आगे पीछे घूमकर गुणगान कर रहे थे, वही स्थानीय नेता मऊगंज नगर परिषद के चुनाव में भाजपा के द्वारा जारी हुई पार्षद प्रत्याशियों की सूची के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगाते हुए कई नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही मऊगंज नगर परिषद में पार्षद पद के कई दावेदार अपने टिकट को पक्की मानकर क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, मगर भाजपा प्रत्याशियों की जारी सूची में आश्चर्यजनक फेरबदल होने पर टिकट ना मिलने से नाराज होकर भाजपा मंडल अध्यक्ष मऊगंज राजेश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। तो वहीं कल तक विधायक के बेहद करीबी अधिवक्ता ब्रजवासी पटेल वार्ड क्रमांक 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बात करें मऊगंज महिला मोर्चा की पूर्व मंडल अध्यक्ष की, तो जिला मंत्री व पूर्व पार्षद करुणा मिश्रा ने भी टिकट ना मिलने से नाराज होकर वार्ड क्रमांक 14 से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भाजपा से बागी हुए दोनों स्थानीय बड़े नेताओं ने विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के द्वारा टिकट देने का आश्वासन दिया जा रहा था, मगर अंतिम समय में धोखा दे दिया गया, जिसकी भाजपा को बड़ी कीमत चुकानी होगी। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। पार्षद पद के लिए किस वार्ड से? 14 वार्ड से। किस पार्टी से? निर्दलीय। आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी थी और पार्षद भी थी जी। क्या वजह है कि निर्दलीय पर्चा दाखिल करना पड़ा? ये हमारे विधायक के तानाशाही से हमको ये करना पड़ रहा है। अब विधायक जी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके सबके, आप इसके लिए विधायक जी को जिम्मेदार ठहराती हैं? जी, क्योंकि 5 साल हो गया, विधायक जी हमको पूरा अनुशासन दिए थे और हमको अभी परसों हम रीवा गई थी, अब विधायक जी से मिली थी, बोले कि आप जाओ हरी झंडी लेके जाओ और प्रचार करो क्षेत्र में, तो हम वहाँ से आई और प्रचार करने लगी। फिर हमको शाम को सूचना मिली कि आपका टिकट कट गया। क्या वजह हुई कि आपका टिकट? अब ये वजह तो हम अब कैसे बता सकते हैं। हमने तो निर्दलीय दाखिल किया। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे? जी जी। तो निर्दलीय दाखिल करने की वजह क्या है? हमारा जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के हिसाब से, अथवा उनको कहीं ऐसा लग रहा था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज के विधायक रहे हों तो चाहे उनके जो बहुत नज़दीकी करीबी लोगों के द्वारा, यह उनके मन में भ्रम बैठा था कि हो सकता है कि अगर ताकतवर व्यक्ति को हम नगर पंचायत परिषद का अध्यक्ष बनाते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो, हमारी बात कितने सुनेंगे कितना नहीं सुनेंगे, दबाव में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उनका माने कुल मिलाकर हमारा जो कहना था कि उस हिसाब से उन लोगों ने चयन किया कि ऐसे व्यक्ति को हम अमुक व्यक्ति को बैठाएं नगर पंचायत का अध्यक्ष कि जो आने वाले समय में जहां कहें वहां चुपचाप बैठा रहा और जैसा हम कहें वैसा करता रहा।